श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जाके के आसला श्री कृष्ण लाल की जय चरण कमल में आत्माएं रहती है इन चरण कमल को नहीं छोड़ती है इस माध्यम से पूरे परमधाम का वर्णन ने यहाँ पर समझाया इस प्रकरण में आगे वाला प्रकरण भी इसका पूरा किया है इन बाघ तले जो बाघ है पहले फूल बाग का वर्णन था फूल बाग के नीचे दूसरा बाग है उसी प्रकार का है तो उसमें और ज्यादा तेज है इसलिए उसको नूर बाग कहा ए क्यों कहे जुआ सिफत इसकी महिमा इस जिहा से कैसे बताई जाएगी ए मुमिन कदम क्यों छोड़ ही जाके असलह कनिष्वत इन बागों का सुख दे लेने वाली ब्रह्मात्माए जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है मोर चकोर मैना कोयली कई भी दबन टहकत तो उस बाग में और आसपास में भी बाग तो है ही ये भी बहुत बड़ा है ये नूर बाग फूल बाग, ये छोटे नहीं है बहुत बड़े बड़े हैं और बीच बीच में वृक्ष हैं वहाँ बड़े वृक्ष नहीं है छोटे छोटे वृक्ष हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी मोर चकोर मैना कोयल कोयल कई भी तो बन टूका था ऐसे बन में टूकार करते हैं। पक्षी बोलते हैं ना उसको टूंकते हैं ऐसा बोलते हैं रोए कदम सुख सुपने ले वहीं जाकि असद तब तो ब्रह्मात्माएं तो राज्य के साथ में इन दृश्यों को देखती है तो उनके चरणों का सुख प्राप्त करती रहती है क्योंकि उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है यों खेले झीले, चहे बच्चे जल फुहारे वो वहाँ पर उस दिशा में भी बड़ा चहे बच्चा बड़ा बड़ा जल कुंड है तो वहाँ से फिर जल निकलता है इन बागों में भी अलग अलग प्रकार के जल कुंड हैं नहरें चलती हैं तो उसमें झीलते हैं खेलते हैं और वहाँ फुहारे वगैरह उछलते हैं तो उनका आनंद लेते हैं सुख क्यों रायहा का कदम बिना धाम धामधनी के साथ में इन सुखों का अनुभव करते हैं तो उनके चरणों के बिना ये ब्रह्मात्माएँ कैसे रह सकती हैं जाके असलाह का निस्वत है जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है रूए खेले लाल चबूतरे अब वहाँ से लाल चबूतरे के तरफ ये फूलबाग नूरबाग पश्चिम की दिशा के तरफ थे अब लाल चबूतरे के तरफ उत्तर दिशा की ओर आ रहे हैं तो वहाँ लाल चबूतरे में बैठते हैं तो अलग अलग पहल में बैठने के स्थान हैं तो उससे आगे जो भी वन है तो वन में अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों के झुंड हैं पक्षियों के झुंड तो ज़्यादातर आकाश में वृक्षों में होंगे और नीचे जमीन में अलग अलग प्रकार के पशु हैं उनमें से उसके लिए कह रहे हैं कई रंगों हाथी झूमत वहाँ जहाँ हाथियों का झुंड होगा वो कई रंग के हाथी मिलेंगे तो उनका दर्शन करती हूँ ब्रह्मात्माए उनको देखती है उनके खेल को देखती हैं अक्षरातीत धामधनी के साथ में तो सो क्यों रहे हक कदम बिना तो ऐसी आत्माएं जिनका संबंध अक्षरातीत से है वो उनके चरणों के बिना कैसे रह सकती है जाकि असलाह हक निस्बत कई बाघ चीते दीप केसरी कई प्रकार के बाघ तो वहाँ बाघ भी भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे चीते वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के सबके अलग अलग झुंड हैं उनको अखाड़ा भी कहा है दीप दीपड़े तो वो भी एक प्रकार से बाघ की जाति का ही है केसरी सिंह तो ये सारे ना एक ही जाति के हैं एक ही वंश में आत, आते हैं किंतु हैं हाँ सब अलग अलग सबसे श्रेष्ठ है वो केशरी है बोले कूदे घर जाता तो वो बोलते हैं कूदते हैं दौड़ते हैं गर्जना करते हैं उछलते हैं कूदते हैं गर्जना भी उछलते भी हैं और गर्जना करते हैं रोए क्यों रहे यहाँ का कदम बिना तो ब्रह्मात्मा आत्माएँ अक्षराधे धामधनी के साथ में उनकी अलग अलग कोश कुशलताएँ देखते हो तो वो अक्षराते धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकती रूहें क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक तो ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के बिना नहीं रह सकती कई विध बाजे बाज ही बजा वही इतबादर नट नाचत अब वहाँ कहीं पर बंदर वगैरह तो वो दूसरे खेलते भी हो ना दूसरे पशु तो बंदर वगैरह वो वाद्य यंत्र बजाते हैं वैसे वाद्य यंत्र अपने आप ही बजते हैं और बंदर भी बजाते हैं ये तो बांदर नट नाच तब बंदर भी नट की भांति नाचते हैं और कोई बजाते हैं और कोई नाचते हैं और ब्रह्मात्माओं को श्रीराज जी को श्यामा जी को प्रसन्न करते हैं तो रूहें सुपने कदम न ही जाकी असलह का निष्वत इन दृश्यों को देखने वाली आत्माएं स्वप्न में भी श्रीराज श्यामा जी के चरण कमल को नहीं भूलती है कई बड़े पशु पंखी आरक्षक कई उड़े खेले कूदता कई बड़े बड़े पक्षी वगैरह हों तो वो दो उड़ते हैं आकाश में कई पशु वगैरह दौड़ते हैं कुछ ऐसे हैं वो दौड़ भी सकते हैं जमीन में और आकाश में उड़ भी सकते हैं तो इस प्रकार के तो ये ये सब ऐसे उड़ते हैं खेलते हैं कूदते हैं रूहें क्यों रहे हा चरण बिना जाके असल हा का इन दृश्यों को देखने वाली आत्माएं, जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है कई विदयों मधुबन में सुख ले वे चित्त चाहता इस प्रकार वहाँ बड़ा बन से लेकर के मधुबन फिर महाबन तो ऐसे मधुबन में भी सुख लेती है ब्रह्मात्माएं सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निस्वत है ऐसी ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के बिना रह नहीं सकती उसको कभी भूलेगी ही नहीं बड़े माहौल जो पहाड़ से बड़े बड़े माहौल पर्वत की भांति देखने वाले तो जिनका नाम भी पर्वती कहा है जैसे जे, पुखराज पर्वत है तो उनकी बात कर रहे हैं इत हैं कई खेलें जो गत वहाँ ब्रह कई प्रकार के से खेल खेलती हैं युक्तिपूर्वक खेल खेलती हैं सुपन कदम न छोड़ ही जाके असल हकेश्वरता ऐसे ब्रह्मात्माएँ स्वप्न में भी अक्षराते देने के चरण कमल को नहीं भूलती है चार महल बड़े थम्भ तो वहाँ उपोखराज पर्वत में बीच में बड़ा माहौल है और उसके चार तरफ चारों तरफ चार माहौल उस स्तंभ की तरह से लगेंगे लेकिन है बहुत बड़े बड़े माहौल उसके लिए कह रहे हैं सो ऊपर जाए मिलता ऊपर जाकर के वो चारों फिर एक हो जाते हैं तो बीच का उसके लिए आगे वर्णन करते हैं इसलिए यह चार का ही वर्णन किया रूहे तो सुख कदमों ले वही जाके असल क तब तो ब्रह्मात्माए अक्षराती धामधनी के चरण कमल का सुख प्राप्त करती है वहाँ भी उनके सानिध्य में वहाँ के दृश्यों को देखती है जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है हजारहा जीत ग्र दवाए बीच माहौल बड़े बीच बेराजत अब बीच का महल ये चार दिशाओं में चार महल हो गए और बीच का महल हजार हाँस वाला वो बहुत बड़ा है तो ऐसे उसमें जिसके चारों तरफ हजार हाँस का चबूतरा है चबूतरे के ऊपर महल सुख ले चरण का यहाँ भी ब्रह्महात्माएँ अक्षराती धाम धनी के चरणों का सुख लेती है जाके असल है कनिष्वतः जिनका असल संबंध पूर्ण ब्रह्म से है पहाड़ पुखराजी माहौल में सुख चाँदनी लेवत अब उससे पूर्व की ओर दूसरा माहौल है पुखराजी माहौल और पुखराज के ता पुखराजी ताल भी उसके माहौल के ऊपर चांदनी में भी बहुत सुख प्राप्त करती है ब्रह्मात्मा आनंद लेती हैं सुख क्यों राय हक कदम बिना जाके असल है तो अक्षराती धामधनी के चरण कमल को छोड़ करके ऐसी ब्रह्मात्माएं कैसे रह सकती है अति बड़े चार द्वार चांदनी कई हाथी हलकों आवत पुखराज पर्वत के ऊपर चांदनी में तो बड़े बड़े चार द्वार चारों दिशाओं में कई हाथी हलकों आवत कई हाथी हैं, ऐसे कई झुंड के झुंड बना करके आ, हल का करने का तात्पर्य झुंड के झुंड बना करके वहाँ पर आते हैं चरण छूटे ना इन खाबंद के जाके असल हक निशत जिन ब्रह्मात्माओं का असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है उनसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल छूटते नहीं हैं बड़े पशुपंखी न चांदनी हक हादि मोहला लेवत इन चाँदनी में बड़े बड़े पशु पक्षी ये सब श्री जी श्यामा जी के मोहला लेते हैं उनके दर्शन करते हैं वहाँ आकर के रुएँ ऐ चरण क्यों छोड़ा ही जाकि असलह का निश्चात है तो ब्रह्मात्मा है ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है हाथी बाघ चीते दीप केशरी अब वहाँ देखो कैसे कैसे जानवर जाते हैं हाथी है बाघ हैं चीते हैं दीप दीपड़े वो भी बाघे बाघ के जाति के ही हैं केशरी तो ये सब कोई जाते गिन ना सकता कई जाति के ऐसे पशु हैं जिनकी गिनती नहीं कर सकते हक हाँ कदम रोए क्यों छोड़े ही जाके असल हक हाँ अक्षराति धामधनी के दर्शन के लिए आते हैं और अपने अपने कला दिखाते हैं तो ऐसे ऐसे अनेक जानवर हैं तो अक्षराधित धामधनी के साथ में रह करके इन दृश्यों को देखने वाली आत्माएं उनके चरण कमल को कैसे भूल सकती है ये कहना चाहते हैं हक कदम रूए क्यों छोड़े ही जाकी असल हक निस्वत तो उनके चरणों को नहीं छोड़ सकती ए निपट बड़ा माहौल चांदनी चाँदनी ये कई मिलावे मिलत है यहाँ चांदनी में बड़े बड़े माहौल तो उनमें ये तो कई मिलावे मिलत है यहाँ पर तो बैठक बहुत है बहुत बैठक है तो उसमें भी बैठते हैं रूए न छोड़े का कदम जाके आसला करने हाँ का जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है ब्रह्मात्मा उनके चरण कमल को नहीं छोड़ती है बड़े चार द्वार से सिफत वहाँ चबूतरे में भी चार द्वार तो वो कैसे हैं कि उसमें भी चारों कोने में स्तंभ है ऊपर तो छत है तो चारों तरफ के द्वार उस प्रकार से खुले तो क्यों कहूँ दहलानों सिफतः दहलान की बात करें उनकी महिमा क्या बताएं ये सुख ले न मोहमिन कदमों जाके असल है किस्वत तो जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ऐसे ब्रह्म आत्माएँ ऐसे ऐसे स्थानों का सुख श्री राज्य के चरणों में रह करके लेती है ये अति ऊँचे माहौल बीच के हक सुख आकाशी देवत अब बीच में महल हैं ऊँचे ऊँचे तो वो आकाशी महल चारों तरफ के वो अलग माहौल है फिर वहाँ दहलान वगैरह भी हैं अब ये बीच के माहौल है वो वो काफी ऊंचे हैं चारों तरफ के सबसे तो वो आकाशीय माहौल हो गए उनका सुख भी अक्षरात धामधनी इनको देते हैं रोए एक कदम क्यों छोड़ा ही जाकि असलह कनिष्वत तो ऐसी ब्रह्मत्माए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है हका दे रुए बड़े माहौल में इन गुरुजों सुख को श्री श्रीराज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माएँ इन बड़े बड़े महलों में वहाँ अलग अलग स्थानों में जाते हैं तो ब्रह्मात्माएँ है, अलग अलग सुखों को गिनती हैं राज्य दिखाते देखो यहाँ भी बड़ा आनंद आता है इधर भी बड़ा आनंद आता है तो ब्रह्मात्माएँ बड़े प्रसन्न होती हैं एक कदम सुख मोहमिन जान ही राज्य के चरणों में जो सुख प्राप्त होता है वो तो ब्रह्मात्मा ही जानती है क्योंकि उनका यह असल संबंध अक्षरातीत से है जाके असलहक निस्बत सुख लेत ताल मूल जोए के कई विध के लकरत अब ताल के सुख लेत ताल मूल जोए के जोए यमुना जी के मूल का ताल है वो जी ताल हो गया तो ऊपर से तो वो पुखराज पर्वत से उसमें उसके कि वहाँ से गिरती है उसमें तो ये वो उस ताल में भी कई भी धकेला कर तो वहाँ भी ब्रह्मात्माएँ अलग अलग प्रकार का आनंद लेती है क्रीड़ाएँ करती हैं रूहें क्यों छोड़े हक चरण को जाके असल हकनिष्वत तो ब्रह्मात्माएँ जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है तो वो इन चरणों को कैसे छोड़ सकती है माहौल बड़े ताल ऊपर और सुख ले वे हक हाँ सोई ताल के ऊपर ताल और ताल के चारों तरफ बहुत ऊंचाई तक महल हैं बड़े बड़े तो ब्रह्मात्मा वहां भी सुख प्राप्त करती है एक यू छोड़े हाँ का कदम को जाके असल हक हाँ निस्वत तो वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है नहीं छोड़ेंगी दोनों तरफ हाँ महल के आगो जित दरखत अब ये माहौल के दोनों तरफ अब ये तो ऊंचे-ऊंचे पहाड़ ये माहौल पहाड़ के भांति माहौल है उनके दोनों तरफ वो भी बड़े ऊंचे ऊंचे-ऊंचे वृक्ष हैं वृक्षावली है वो भी बहुत ऊंचे-ऊंचे वृक्ष हैं इसलिए कहा आगों जिन दरखत जित दरखत जिनके आगे दरखत वृक्ष हैं शो क्यों छोड़े कदम सुपने जाके असल हक निश्वत वहाँ ऊपर आकाशी में चढ़ करके आकाशी महल के भी ऊपर चांदन में चढ़ कर के चारों तरफ के दृश्य को देखने वाली ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जाके जाबत

जाके के असल क निस्त <ता>। जा जाके असल क निश